बिलासपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष भाजपा पर किया बड़ा जुबानी हमला। विपक्ष के प्रति आक्रमण रूप अपनाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के विरुद्ध विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सारी जानकारी जुटा लेनी चाहिए थी। आरबीआई के पास प्रदेश सरकारों का वित्त से संबंधित पूर्ण डाटा उपलब्ध होता है। वे यहां वाटर एडवेंचर एक्टिविटी का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अब तक के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को दिवाली से पूर्व वेतन डीए तथा पेंशनर्स को पेंशन जारी की गई है। उन्होंने मीडिया से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार करने के विपक्ष का साथ नहीं दे। मीडिया से जुड़ा वर्ग बुद्धिजीवी है। प्रदेश सरकार की जनहितैषी एवं विकासात्मक योजनाओं को टीवी चैनलों व समाचार पत्रों पर दे प्रमुखता से। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से गोविंद सागर झील में आरंभिक किए गए साहसिक खेल के प्रति सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के उपरांत बिलासपुर के उत्थान के प्रति पहली बार किसी सरकार ने क्रूज सहित साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के प्रति धरातल स्तर पर सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में बिलासपुर युवाओं को रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध कराने के प्रति व स्थानीय लोगों की आर्थिक को सुदृढ़ करने के प्रति सामने सकारात्मक परिणाम आएंगे। प्रदेश सरकार ने जिला बिलासपुर नहीं अपितु पूरे प्रदेश के सभी जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सकारात्मक कदम उठाए हैं। हिमाचल प्लस के लिए बिलासपुर से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। पर्यटकों और लोगों को होने वाला है, जब से हमारी सरकार बनी है हमने अपना नीतिगत परिवर्तन किया और नीतिगत परिवर्तन हमने किस प्रकार की इंडस्ट्रीज को लेकर जाना है उस दृष्टिकोण से किया। पहले बजट में हमने कहा था कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य, हिमाचल की झीलों, हिमाचल की बॉडी वाटर बॉडीज़ पर अगर कि सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में कोई होगी तो वो टूरिज्म होगा, पर्यटन होगा। और मुझे खुशी है कि अभी हमारी सरकार को 2 साल पूरा होने में अभी 1.5 महीना है और 31 तारीख को दिवाली का शुभ अवसर है। इस अवसर पर मैं हिमाचल वासियों को भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जो लोग हमारे हिमाचल के काफ़ी लोग गोवा जाते थे, चंडीगढ़ हरियाणा के लोग गोवा जाते थे, क्रूज का आनंद लेते थे, हमने ये सुविधा आज बिलासपुर में उपलब्ध करवा दी। हिमाचल प्रदेश में 75 साल में पहला क्रूज की कोई योजना यहाँ शुरू की आज़ादी के बाद ही तो बिलासपुर। जेट स्की है, शिकारा है, तो ये सब सुविधाएं हम करवा रहे हैं। शुरू में अभी थोड़ा इसको उभरने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में बिलासपुर एक बहुत बड़ा टूरिज्म के हब के लिए, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाए। जब टूरिज्म बढ़ता है तो बिलासपुर के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। अब हम नई चीज़ों की तरफ हमें जाना चाहिए और मेरा मानना है कि इस दिशा में हम कदम बढ़ाए हैं। और अभी जो गोविंद सागर झील है, बंगाना की रायपुर के पास झील है, पोंग डैम झील है, और इकोल डैम की झील है, जितनी भी झीलें हैं इस पर हम क्रूज चलाना चाहते हैं, जेट स्की चलाना चाहते हैं, मोटर बोट्स चलाना चाहते हैं, सब प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब ये थोड़े 1-2 साल में जब स्थापित हो जाएगा तो GST के रूप में हमें इसका अधिक लाभ मिलेगा। और जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ हमें कंज्यूमर स्टेट होने के कारण उसका GST का लाभ नहीं होता। टूरिज्म से हमें 28% GST मिलेगी, पानी की बोतल जो पिएगा उस पर GST मिलेगी, कोई चाय का कप पिएगा उस पर GST मिलेगी और हिमाचल प्रदेश के खजाने में और अधिक पैसा आएगा। तो पर्यटन इस सरकार की प्रमुख उद्योग के रूप में हमारा प्रथम स्थान पर है, दूसरा हाइड्रो है, तीसरा डाटा स्टोरेज है, फूड प्रोसेसिंग है। इन दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। सर 34 से हमें 40 बना दिए 2 महीने पहले, तो उम्मीदें अच्छी थी, तो हम जनता तय करती है। सर अभी आपने एक डोटरा क्वार में जाके आए, गांव में जाके एक सरकार का आपने देखा कि कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं, इसके बाद क्या योजना है सर कि किस तरीके से गांव में जाकर गांव के वातावरण में रह के गांव में एक परिवार के घर में रहकर मैंने रात बिताई। क्यों बिताई, मुख्यमंत्री के नाते में जाकर ये देखना चाहता था। वैसे मैं गाँव से ही हूँ,
हमारे माता पिता भी मदर हमारे गांव में रहते हैं, पारिवारिक हमारा किसान से आते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या उनके साथ सुविधा पहुंची है कि नहीं पहुंची है। और मैं आज कह सकता हूं कि वहां अब जल्दी ही जो काला पानी के नाम से जाना जाता था अधिकतम सुविधाएँ वहाँ प्रदान की जाएंगी। हम स्पीति में हिमाचल डे बनाया, स्पीति में लाइट की समस्या थी, हम 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो अभी पूरा होने जा रहा है इस 9 अक्टूबर में वो हम लगाने जा रहे हैं ताकि जो बिजली की जो कमी है वो उसको पूरा किया जा सके। बजट जारी कर दिए, अब तीसरा बजट जारी करने के लिए हम नीतिगत परिवर्तन कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के दौर से हिमाचल प्रदेश घूम रहा है, बजट में भी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। प्री बजट मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, किसको कितनी जरूरत है वो चीज़ उसके हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। गाँव में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति के हाथ में पैसा कैसे पहुँचे, मनरेगा में लगी हुई हमारी महिला मजदूर के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, जिसके ने पशुधन रखा है उसके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, सभी वर्गों के समाज के सरकारी कर्मचारियों को किन चीज़ों की सुविधा हमने देनी है, युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे पैदा करने हैं, ये सब नीतिगत फैसले हम अपने बजट के माध्यम से करते हैं। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जिस दृष्टि से हमारा योजनाओं को अब धरातल पर दिखना शुरू हुआ है, कभी सोच सकते थे बिलासपुर में कि क्रूज भी आएगा, कोई ये सोचती किश्तियाँ लेकर जाते थे मछली पकड़ा करते थे, कहने मछली पकड़ी के से बिलासपुर से इकट्ठी होंगी, बिलासपुर में कभी मछली पकड़ने के अलावा सोचा कि आज जेट स्की है, मैंने खुद जेट स्की का आनंद लिया, शिकारा यहाँ आ जाएंगे धीरे धीरे। और ये सब प्राइवेट सेक्टर में ला रहे, प्राइवेट सेक्टर हमको पैसा देगा, हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करे, हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हिमाचल